कुसमिक्षा स्टडी पॉइंट आप लोगों के लिए। 10th बोर्ड में साइंस में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चों में लिंग का निर्धारण। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर बनाएंगे मेल और फीमेल को। तो यहाँ हमने बना दिया फादर यानी मेल, और यहाँ हमने बना दिया मदर यानी फीमेल। अब आपको इनके क्रोमोजोम के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई आपको लिखना है, और यहाँ 44 प्लस एक्स एक्स लिखना है। फादर के सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई हैं, मदर के सेक्स क्रोमोजोम एक्स एक्स हैं। देखिए, अब क्रोमोजोम्स आपने लिख दिए हैं। अब इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन होगी, क्रोमोजोम अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्रोमोजोम्स को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, तो एक्स वाई यहाँ अलग अलग हो गए, गैमेट फॉर्मेशन है ये, एक्स और वाई अलग अलग। टोटल 44 प्लस एक्स वाई ही है, टोटल 46 क्रोमोजोम है। 44 जो क्रोमोजोम है इनको आप ऑटोजोम बोलेंगे। एक्स वाई आपका सेक्स क्रोमोजोम है मेल, और एक्स एक्स आपका फीमेल सेक्स क्रोमोजोम है। इसको भी आप अलग अलग कर दीजिए, 22 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स। तो एक्स एक्स यहाँ अलग हो गया गैमेट फॉर्मेशन, एक्स वाई यहाँ अलग हो गया। अब एक्स वाई का हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। तो देखिए, यहाँ से लेते हैं हम लोग, एक जीन फादर से आ गया और एक जीन मदर से आ गया। तो यहाँ 22 और 22 44 प्लस एक्स एक्स, एक्स फादर से आया, एक्स मदर से आया। तो जब भी एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास आएगा रिजल्टिंग बेबी में गर्ल। अब यहाँ देखिए, एक्स फादर से आ गया और यहाँ पर एक और एक्स मदर से आ गया। तो यहाँ भी 44 प्लस एक्स एक्स, यहाँ पर भी रिजल्टिंग बेबी क्या होगा, गर्ल होगी। यहाँ एक जीन फादर से आ गया और एक जीन हमारा मदर से आ गया। तो फादर से क्या आया, वाई, और मदर से क्या आया, एक्स। तो यहाँ हमारे पास हो गया 44 प्लस एक्स वाई। एक्स वाई कॉम्बिनेशन क्या देगा, एक्स वाई कॉम्बिनेशन देगा बेबी बॉय। देखिए, यहाँ पर एक एक्स जीन आ गया मदर से और वाई जीन आ गया फादर से। तो यहाँ एक्स और वाई कॉम्बिनेशन हो गया। तो एक्स और वाई कॉम्बिनेशन है तो ये भी क्या होगा, रिजल्टिंग बेबी बेबी बॉय होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिसमें से 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉय हैं। तो आपने नीचे लिखना है कि एक्स एक्स जीन्स कॉम्बिनेशन क्या होगा, बेबी गर्ल देगी, और एक्स वाई जीन कॉम्बिनेशन क्या देगा, बेबी बॉय देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 2 चांसेस हैं गर्ल होगी, 2 चांसेस हैं बॉय होगा। यानी यहाँ पर 50% चांस है ऑफ गेटिंग बेबी गर्ल और 50% चांसेस हैं ऑफ गेटिंग बेबी बॉय। तो इस तरह से एक कंप्लीट डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। इस डायग्राम में कुछ भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है। अगर आप इसको कंप्लीट बनाएंगे तभी आपके पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर साइंस वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।